तो मैंने ये पिछली वीडियो में बताया था कि मैं एक बोया माइक की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। तो आज वो बोया माइक आ चुका है जिसको मैंने फ्लिपकार्ट से खरीदा है। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था जो कि फ्लिपकार्ट के ऊपर ही थी वो वीडियो, तो मैं उस वीडियो में बोया माइक की अनबॉक्सिंग के बारे में बताया था। तो आज मैं उसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ क्योंकि वो आ चुका है, अभी मैं उसे लेने जाने वाला हूँ। तो उसको लेके आने के बाद आपको मैं उसकी अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा। और जितने भी मेरे भाई है उन्होंने अगर मेरी गाड़ी नहीं देखी जो कि मैंने ली है सेकंड में, वो अगर मैंने ली है, तो जिन्होंने देखी नहीं वो गाड़ी को, तो उस गाड़ी को भी देख लेना और कमेंट में बताना कि आपको गाड़ी के लगी। तो मिलते हैं अभी वीडियो के बाद। मैंने बॉक्स लेके आया अपना जो बोया माइक है उसमें, तो लेके आया इसके अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो चलो शुरू करते हैं अभी इसके अनबॉक्सिंग। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे आप, अभी भी मैंने उसे बिल्कुल भी ओपन नहीं किया है, तो आपके सामने इसे ओपन करने वाला हूं। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे अभी मेरा नाम ही, अभी मेरा एड्रेस है, सब कुछ है। तो इसको अभी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो काफी खुली से देख सकते हैं मेरा जो बॉय माइक है वो आ चुका है। और आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। तो आप देख सकते हैं ये जो माइक है जिससे हमारे जो वॉइस है वो रिकॉर्ड होता है, और इसमें वो फिल्टर होता है। फिर इस वायर को हम जो मोबाइल को कनेक्ट करते हैं, और उसके अंदर कौन सी चीज़ें होगी दिखाने वालों में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ मिलेगा इसके साथ, और क्या इसके अंदर, इसके अंदर कुछ तो ऐसा मिलेगा कि क्या है, क्या है नहीं पता नहीं, बस यही चीज़ें आपको जो मिलेगी यहाँ पे। और इसके साथ जो छोटी बैटरी आप देख सकते हैं यहाँ पे, उसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके साथ एक ये जो कैमरे को लगाते हैं वो उसका है, और ये इसकी बैटरी जो कि इसके अंदर डालते हैं बस। और ये जो इस माइक को लगाते हैं यहाँ पे, तो रबर ये यहाँ पे लगाते हो, तो यही है। तो अभी आपको इसकी वॉइस क्वालिटी आपको मैं बताऊँगा। कनेक्ट कर लिया आपने माइक को, तो अभी मैं बोल जो मेरे वॉइस है वो कैसे आपको लग रहे हो बताना। एंड इसकी खास बात है कि ये जो फिल्टर है जो अपना आवाज़ है फिल्टर कर देता है इसमें, तो यही इसकी खास बात, क्योंकि आप रिकॉर्ड करते हो कुछ भी चीज़ तो बिल्कुल क्लियर से आती है आपकी आवाज़। तो यही इसके लिए मैंने इस माइक को खरीदा, क्योंकि जो मेरा मोबाइल है उसकी जो वॉइस क्वालिटी बहुत कम है और अच्छी नहीं लगती, और कुछ ऐसे मतलब आजूबाजू के जो साउंड होता है वो भी उसमें कैप्चर हो जाता है, इसकी वजह से मेरे जो वॉइस है वो ख़राब हो जाती है। तो इसका कारण से ये माइक लिया है जिसमें उसकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छा है। तो वीडियो कैसी लगी वो भी बताना, और माइक की क्वालिटी कैसी वो भी बताना।